वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था सेल इंजरी। अब गोल्जी बॉडी, दीज आर केनाल लाइक स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस विच फॉर्म सिक्रीशंस ऑफ द सेल्स। गोल्जी बॉडी जो है केनाल लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंस होता है और डिफरेंट किस्म के सिक्रीशंस करता है सेल में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ अ डबल लेयर स्ट्रक्चर दैट एनक्लोज द कंटेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। जिस तरह सेल मेम्ब्रेन है आउटर कवरिंग्स ऑफ द सेल है, इसी तरह न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर मटेरियल है जिसमें डीएनए प्रेजेंस होता है उसके इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंस होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कहते हैं। न्यूक्लियस, All cells having a dark staining mass of deoxyribonucleic acids DNA are called nucleus. Enclose a nuclear membrane having RNA responsible for synthesis of proteins. Nucleus is a master of cells and its activity. Without cells die. अब nucleus क्या है? Nucleus cells का एक master होता है जो cells के जितने भी activities होती है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है और बेसिकली इसमें एक डार्क स्टेनिंग चीज़ प्रेजेंट होता है जिसको हम डीएनए कहते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। और अगर सेल्स में न्यूक्लियस ना हो तो सेल्स मर जाता है। ये क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी ऑर्गेनेल्स जो हमने पढ़ लिए, गोल्जी अपैरेटस है, सेंट्रोसोम्स, साइटोप्लाज्म्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स एंड स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एंड देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, वेसिकल्स, मेम्ब्रेन एंड साइटोस्केलेटन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। दीज आर दी अदर डायग्राम्स ऑफ दी ह्यूमन सेल्स। क्रोमोसोम्स, द न्यूक्लियस इज अरेंज इन 46 माइनू स्ट्रिप्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर अरेंज इन पेयर ऑफ 23, वन पेयर ऑफ ईच, वन मेंबर ऑफ ईच पेयर ब्रिंग्स इनहेरिटेंस फ्रॉम द मेल्स एंड अनदर फ्रॉम फीमेल्स, जीन आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है? ये एक माइनूट स्ट्रिप्स नुमा चीज़ होती है जिसमें 23 पेयर्स हम अपने मदर से लेते हैं और 23 पेयर्स हम अपने फादर से लेते हैं। जो नॉर्मल सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंस होते हैं ह्यूमन सेल्स में, अगर इनके नंबर में ज़्यादती या कमी आ जाए तो ये डिफरेंट किस्म के सिंड्रोम्स कॉज करते हैं जो एक डिजीज़ होती है। और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होता है? जीन प्रेजेंट्स होते हैं जो हमारे इनहेरिटेंस में पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर होते हैं। थैंक यू।